गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में एक साथ 26 सितंबर से सिटी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गोरखपुर में भी 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिसके तहत नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने अपने कैंप कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में चलने वाली विभिन्न रूटों और बसों को चार्ज करने के लिए बने चार्जिंग पॉइंट की समीक्षा की। इस बारे में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि लखनऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में 750 इलेक्ट्रिक बसों के चलने की तारीख तय हो गई है। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी या दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना करेंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि गोरखपुर में भी 25 इलेक्ट्रिक बसें चलनी हैं। इनके लिए महेसरा में चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल के तौर पर 20 सितंबर को ही इलेक्ट्रिक बस गोरखपुर आ जाएगी। लो फ्लोर की इन बसों के आने के बाद दिव्यांग बुजुर्ग लोगों को यात्रा करने में काफी सहूलियत हो जाएगी। इलेक्ट्रिक बसें नगर निगम में शामिल 32 गांवों से भी जुड़ेंगी। बैठक में नगर निगम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, हमारी गाड़ी में चलना पूरा दिन रात नहीं, सबका आशीर्वाद नहीं, ठीक है, इसको ऐसा करेंगे ना, अब सड़क वाला ही पूछिएगा तो हम लोग परसों मीटिंग कर लेते हैं चार से, ये बाइक को बुला लेते हैं और उनसे कह देंगे हमारे ऊपर, और इसको बुला लेंगे बिजली और बेटर वालों को बुला लेंगे, गुंजाइश नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा एक चीज़ और, मैं आपसे इसी समय उनकी रतन सिंह, रतन सिंह, रतन सिंह कुछ उन्होंने हमको पैसा दिया है सी जी एस को इसी काम के अलग से, अलग से कि पूरा अब ये वहाँ का भी निबट जाए। नहीं नहीं सर, 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपके संज्ञान में आ गया होगा, दिनांक 26 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से अथवा दिल्ली से जो प्रदेश उत्तर प्रदेश में 700 बसें इलेक्ट्रिक बसें आई हुई हैं लो फ्लोर की, उनको हरी झंडी देकर रवाना करेंगे और उसी में से 25 बसें हमारे गोरखपुर शहर में आ रही हैं। और उसके लिए जो यहाँ पर महेसरा में हमारा इलेक्ट्रिकल बस चार्जिंग स्टेशन बन रहा है, उसके संबंध में डिस्कस किया गया, उसकी सड़कें बनने के संबंध में, उनका जो सेट है, जो बिजली विभाग पर पूरा पैसा जमा कर दिया गया है और उनको जो वहाँ पर कनेक्शन वगैरह देना है आदि के संबंध में वार्ता हुई। इस बैठक में जो हमारे एसएस महोदय हैं नगर विकास के, उन्होंने खास तौर से इस बैठक के लिए जो सीजीएम हैं सीएनडीएस के, उनको भेजा था, जीएम आए हुए थे, यहाँ के लोकल जो प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं उनकी पूरी टीम थी और नगर निगम की तरफ से मैं और हमारे चीफ मुख्य अभियंता महोदय थे। तो हम लोगों ने बैठ के बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रही, सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया गया है और ये सुनिश्चित हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों के द्वारा जो इसका इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया जाएगा वो 26 तारीख को है, लेकिन हम लोगों ने एक अपनी डेडलाइन जो डेट घोषित की है वो 20 तारीख है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 20 तारीख तक हम लोग सारी चीज़ों को पूरा करके 22-23 तक एक बार इसकी पूरी रिहर्सल कर लेंगे और जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हरी झंडी दिखा के जिस कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है उसको हम लोग एक बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न करा सकें। सर गोरखपुरवासियों के लिए कितना बड़ा स्वागत होगा ये? निश्चित रूप से ये अभी लो फ्लोर की इसमें खास तौर से जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, हमारे वृद्ध जो पुरुष और महिलाएं हैं उनको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एक जो लो फ्लोर की सिटी बसें हैं जो शहर में जब चलेंगी तो इससे बहुत ही कम शुल्क में जो हमारे शहरवासी हैं जो कि 10-12 किलोमीटर दूर से जो आते हैं, जो कभी कोई नगर निगम आता है, कोई कलेक्ट्रेट, कोई कचहरी, कोई दीवानी, उन सभी लोगों को आने जाने की बड़ी सुविधा हो जाएगी। हमने जो रूट भी इसी तरह से बनाया हुआ है और आगे चलकर हम लोग जो हमारे 32 गांव जुड़े हुए हैं नगर निगम में विस्तारीकरण के तहत, उनके भी जो निवासियों को हम ये सुविधा इसमें से प्रदान करेंगे, वहाँ तक भी ये बसें जाएंगी और उनको वहाँ से लाएंगी और उनको ले जाके वहाँ पर छोड़ेंगी। तो निश्चित रूप से जो एक विकास गोरखपुर आप देख ही रहेंगे कि विकास की क्या तेज़ रफ्तार है कि आने वाले समय में हम मैं कह सकता हूँ कि यूपी के मानचित्र पे गोरखपुर शहर नंबर 1 का शहर होगा।